ओके हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 की तरफ से. मैं आरजे अर्चना और आज हमारे साथ पहली बार म्यूजिक प्रीमियर के लिए आए द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गोरी तेरे प्यार में पुनीत मल्होत्रा एंड ऑफ कोर्स शेखर एंड विशाल राइट हियर. तो पहला जो कि लुक होगा वो जरूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि आपने इस एल्बम में इतने नए लोगों को काम दिया है, तो गोरी तेरे प्यार में की सीजन एक्टर्स एक तरफ जो है और दूसरी तरफ इतने नए आवाजें, प्लीज टेल अस विशाल व्हाट वाज द थॉट. नई आवाज़ें एक गाने को हमेशा रिफ़्रेश करती हैं, तो नई आवाज़ों की खोज हमें हमेशा रहती है. वी हैव सम वंडरफुल पीपल सिंगिंग ऑन दिस एल्बम. एक गाना है धत तेरी की जिसे गाया है सनम पुरी ने, बहुत बहुत अच्छे गायक हैं. आई एम टेलिंग यू नाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टार. कमल खान ने गाना गाया है नैना. देयर इज अ गर्ल कॉल्ड सना, देयर इज अदिति सिंह शर्मा, देयर इज बहुत सारे नए गायक हैं इस एल्बम में, और बहुत सारे सीजन गायक भी हैं. मिक्का हैं, ममता शर्मा है, दोनों के साथ पहली बार हम काम कर रहे हैं इस पर. फिर शंकर महादेवन हैं जिनके साथ हमने बहुत काम किया, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे. और एक गाना है दिल डफर जिसमें नितेश कदम जो हमारे दोस्त हैं उनका पहला गाना है. सो लॉट ऑफ न्यू वॉइस ऑन द साउंड ट्रैक. एंड सुखविंदर सिंह साहब ने गाया है. So it's a mixed bag of new voices and experts, and you know it's बहुत खूबसूरत एल्बम है, बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत बहुत अच्छे सिंगर्स हैं. आप बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं इनके साथ, जरा बताएंगे इसके बारे में. बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रहा हूँ. विशाल एंड शेखर बहुत सीनियर, और मैं काफ़ी छोटा था जब मैंने उनके पहले गाने सुने थे. So I give them that respect, whatever they like and whatever they think works, I go with that. I simply go with that. It's true, right? मैं सारी दुनिया से साफ कहना चाहता हूँ कि पुनीत झूठ बोल रहे हैं. पुनीत actually 42 साल के हैं और मतलब बस 42 42 42 सिर्फ yeah well anyway. Are you happy पुनीत कि इतने नए आवाजें आपके एल्बम में, उनको पहला मौका मिला? Because it's difficult. कभी-कभी आपको लगता है द वन थिंग आई एम रियली कॉन्फिडेंट के जो आप पिक्चर के बारे में जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, पर जो म्यूजिक है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है. फुल क्रेडिट टू मी फॉर दैट, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है म्यूजिक पर और बहुत बहुत दिल से बनाया है म्यूजिक पर. जो हमारा पूरा एल्बम है बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई नो एवरीबडी सेज इट, और बहुत क्लीशेड है पर हर किस्म के गाने हैं. दिस अ कम्प्लीट वराइटी. देर इज अ विलेज आइटम सॉन्ग, देर इज पार्टी सॉन्ग, देर इज एन अर्बन पार्टी सॉन्ग, और रोमांटिक सॉन्ग है दोनों. फर्स्ट हाफ में भी, सेकेंड हाफ में भी, जो एक देसी रोमांटिक सॉन्ग है, एक अर्बन रोमांटिक सॉन्ग है. सो यू विल गेट अ कम्प्लीट होलसम एल्बम एंड दैट्स व्हाट यू विल एंजॉय. पुनीत ने हमसे बहुत मेहनत करवाई है और दिखते तो बहुत सिंपल और सोबर है, लेकिन है नहीं, क्योंकि एक एक गाना वो जिस तरह से वो बाउंस करते हैं, एक बहुत खासियत है उनमें कि जितने भी डायरेक्टर्स देख रहे हैं वो जान ले कि जिस तरह से वो गाना बाउंस करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले तो वो कहते हैं कि देखिए आपका गाना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मींस परफेक्ट है, लेकिन पता नहीं मेरी सिचुएशन के लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा गाना है. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक सीडी लेके जाता हूँ और जितनी भी मेरी पंजाबी आंटियाँ हैं उनको मैं सुनाता हूँ, और वो अगर अप्रूव करेंगे तब मैं वापस आके आपको बताऊँगा कि गाना अप्रूव है कि नहीं है. तो उनकी एक बताइए, पंजाबी आंटियां के साथ क्या आपका ताल्लुक, क्या है ताल्लुक, क्या है आपका? सब आंटीज हैं मतलब. आंटी मीटर क्यों है आपके लाइफ में, ये पूछना चाहेंगे. हां अंकल मीटर भी है ऐसे, पर ये दे आर चीपनिंग थिंग्स एंड यू नो लाइक दे केम अप विद अ सॉन्ग कॉल्ड टू, जिसे वो गाने को बहुत चीप करना चाहते थे, पर जो मेरी संस्कृति है और संस्कृति और जो मेरी अपब्रिंगिंग है, दैट डिडंट अलाउ मी टू डू दैट. सो वी डिड द सॉन्ग इन अ वेरी नाइस वे, यू नो, एंड दैट्स व्हाट वी हैव कम डाउन टू. दैट्स एक्चुअली ट्रू. दैट्स ट्रू. दैट्स एक्चुअली ट्रू. एंड देयर लिरिक्स आर ऑलवेज चीप इन धत तेरी की दे हैव किस माय आईज. सो क्या रिएक्शन था इस गाने को लेकर? करीना वाज वेरी वेरी एक्साइटेड व्हेन शी हर्ड टू. इट्स द टाइम दैट शी वाज मोस्ट पेप्ड अप ऑन सेट. वो हमेशा मतलब शी केम विद अबाउट 200% एनर्जी. She was there all along, and if you see the whole song, she's completely nailed it. She's superb. You know, Imran was standing with a glass and reacting to Kareena kya dance kari thi. At one point of time, Imran also became like that. And I said, "What happened?" He's saying, "Just see what she's doing here. She's superb." So Kareena was very, very excited about it. Kareena is someone whom we've seen in a very, very royal avatar.
करीना कपूर इज करीना कपूर. आई मीन नो वन डज पंजाबी बेटर देन हर. शी इज आउटस्टैंडिंग. यू डोंट इवन हैव टू सिट डाउन एंड एक्सप्लेन हर सीन टू हर. यू जस्ट टेल हर व्हाट यू नीड एंड शी डिलीवर्स इन वन टेक. यू नो देयर इज नो वन बेटर देन हर, व्हिच इज व्हाई शी इज वेयर शी इज. शी एब्सोल्युटली हैड अ ब्लास्ट डूइंग दिस एंड स्पेशली द सॉन्ग टू. यू नो शी वॉज देयर ऑल आउट. इवन चिंगम फॉर दैट मैटर, शी यूज़ टू बी रियली एक्साइटेड अबाउट दिस सॉन्ग वेयर शी इज डांसिंग. तो वो आती थी सेट पर, शी इज जस्ट लाइक स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड इन वन और टू टेक्स वी हैड एवरीथिंग. एक 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 खास बात बताता हूँ मैं आपको कि जितने भी म्यूजिक इवेंट्स होते हैं आजकल, तो आप बहुत सारे एक्टर्स को वहाँ देखते हैं एंड इट बिकम्स लाइक अ फिल्म इवेंट. लेकिन इसकी खासियत ये है, विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय धर्मा एंड रेडियो सिटी, के म्यूजिक डायरेक्टर्स and the director sitting together and talking about the music, which is a very beautiful thing. I think ye trend continuous hona chahiye, ye trend aise rehna chahiye, kyunki people who make the music should be there on the platform to talk about the music. Yeah, I strongly believe that jo music banta hai, jo hum log music banaye, even I have nothing to do with it. Vishal and Shekhar make the music, I look at it and I have an objective take to it because I have nothing to do with it. So it's them who are the real stars. Of course, I've given them a lot of input and, you know, it's a lot of stuff like that. He's the man who's actually made it happen. Yeah, taught them a lot. But in fact, he's going to sing some of the songs. So, yeah. No, aaj meri awaaz thodi baithi hui hai, isliye main gaana nahi ga sakta. Aap bhi baithe hue. Nahi, aise nahi. Sing that song which is based on your life, No, singing and all, because that's obviously left to the professionals. But we had a blast making this album and we've had no like hiccups. Working on Vishal and Shekhar is the easiest thing in the world. Except for the interviews. They're constantly bothering me. In interviews, I'm not पुनीत को ही तंग कर रहे सारे इंटरव्यूज में. तो जस्ट सो एवरीवन नोस दैट दिस इज अ वी जस्ट हैविंग अ गुड टाइम बेसिकली. जिंदगी इस पे आधार है. एक्चुअली 6 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था जिसके चक्कर में मैं गांव गया था. तो वो स्टोरी है. फिर गांव से भी निकाल दिया मुझे इसलिए मैं इधर बैठा हूँ. मेरी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं था. इस स्टोरी में इमरान को हैप्पी एंडिंग मिलती है. गलत वाली नहीं. गुड हैप्पी एंडिंग. आई होप गोरी तेरे प्यार में इज नॉट परसीव्ड एज अ रोम कॉम, कि वो रोम कॉम नहीं निकले, बिकॉज देयर इज अ डीपर मीनिंग इन द सेकंड हाफ. बट आई प्रॉमिस यू अगली पिक्चर रोम कॉम नहीं होगी. That's still a question mark. We're still working on everything over there. No, I think this is very important. I think it's important कि ये गोरी तेरे प्यार में एक ऐसी पिक्चर है जो एक रोमकॉम की तरह शुरू होती है. एक रोमांटिक कहानी है, उसमें कॉमेडी भी है, लेकिन ये सिर्फ रोमकॉम नहीं है. रोमकॉम से बहुत बढ़ के है ये पिक्चर. और इसमें एक जब आप पिक्चर देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे इसमें एक एक मैसेज है जो एक इट्स ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन आई डोंट नो इफ पुनीत अग्रीज ऑर नॉट, बट अकॉर्डिंग टू मी एक मैसेज है कि किस तरह इस देश के जवान पीढ़ी को अपने देश के साथ रिलेट करना चाहिए विदाउट बीइंग प्रीची. ये कभी कहा नहीं जाता है, बट आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुली शोन. आई थिंक इट्स इसी वजह से मेरे आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. एंड आई थिंक जस्ट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच पुनीत बिलीव्स इन, बिकॉज इफ यू रीड पुनीत्स ट्वीट्स ऑन यू नो जस्ट द रोड कंडीशंस ऑफ द सिटी ऑफ यू, आई मीन ही व्हाटएवर ही बिलीव्स इन इज देयर इन द फिल्म एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुली पुट आई थिंक. So it's more than a rom-com. इससे बढ़के. And it never becomes मतलब कभी heavy नहीं होता, लेकिन सारी बातें इसमें जो कहनी है वो कही गई हैं बहुत अच्छे तरीके से. And it's still a fun, entertaining film. So I think it's a very, very. According to me, this film could redefine the way rom-coms are thought of in this country. So will we see Puneet doing serious cinema in your future? I hope so. And also, what do you think about Gutka? What is? There's still some time on that. We're still working on that. So.